अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, और हम यहाँ पर मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। मुजफ्फराबाद के शहर में हम मौजूद हैं, शहर से पहले हम मौजूद हैं। और आप देख, वहाँ हमारा ये हमारा होटल है। खूबसूरती देखें इस जगह की, बहुत ज़्यादा कमाल का मंज़र है। यहाँ पे पहाड़ है, दरख्त है, हरियाली है, पानी है, दरिया है, और ज़बरदस्त। और ये ख़ास तौर पर इस पुल से होते हुए हम यहाँ आए हैं, और यहाँ से हम होते हुए आपके साथ शेयर करें कि ऊपर तक जाएंगे। ऊपर जाकर भी कुछ वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और इस खूबसूरती को भी एंजॉय करें। आपके लिए हम तो खैर एंजॉय कर रहे हैं। वो रोड जा रही है सामने से, शायद कोई गाड़ी आए तो आपको नज़र आए, तो मुजफ्फराबाद की तरफ जा रही है। वो बस आती भी आपको नज़र आ रही है, और हम चढ़ाई की तरफ रवाना दवा हैं। मुड़ते मुड़ाते हम चलते चले जा रहे हैं, नज़ारों के भी दीदार होते जा रहे हैं। पीछे की भी तरफ देख सकते हैं कि उस जगह से हम इस जगह आ रहे हैं। फिजिकल टेस्ट भी है, वॉक कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और हाई एल्टीट्यूड्स पे ज़रा ऑक्सीजन भी थोड़ी सी कम होती है। और जहाँ तक बात स्पोर्ट्स की है, तो जो टॉप एथलीट्स होते हैं, टॉप स्पोर्ट्समैन होते हैं, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी उनकी पार्ट होता है उनकी ट्रेनिंग का, कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो ताकि उनको पुश मिले, और जब वो सी लेवल पे आते हैं तो उनकी एफिशिएंसी, फिटनेस पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असर पड़ता है। इधर से ज़रा सा डिफरेंट लुक है, डिफरेंट नज़ारा है। उस जगह से हमारे बादल भी हैं नीचे की तरफ पहाड़ों में, और ये वो रोड है मुजफ्फराबाद जो जा रही है। कमाल है। मे भी कुछ वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जिस तरह के नज़ारे हैं तो दिल नहीं कर रहा कि ये वीडियो को हम जल्दी ख़त्म करें, और हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम नज़ारे आपके लिए कैप्चर करें और अपनी एक बेहतरीन यादगार की सूरत में इसको स्टोर करें। आए हैं तो भरपूर तरीके से कुदरत के नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ों को, खूबसूरती यहाँ की इससे भरपूर महसूस हो रहे हैं। डिफरेंट पोजीशंस पे ऊपर जाकर हम आपको शो कर रहे हैं कि लुक किस तरह चेंज हो रही है चीज़ों की। कितने ऊपर आ गए, थोड़ा थोड़े वक्त से आपको हम बताते जा रहे हैं और चीज़ों को दिखाते जा रहे हैं। ऊपर जाना है। आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियोस बना रहे, अपनी यादगार को सेव कर रहे हैं।
अगर इरादे पक्के हों और मकसद हो तो किसी भी बुलंदी को छू सकते हैं। इस बुलंदी पे आके शेयर करूँगा, सर किए हैं पहाड़, दरियाओं की गहराई में ढूंढा है। मकसद अगर आपके पास हो तो कोई काम मुश्किल नहीं, आसानी से थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ हासिल कर सकते हैं वो सब कुछ जो सिर्फ आप सोचते हैं, जो अभी तक नहीं है आपके पास। ये जनाब हम पहुंच चुके हैं बहुत ऊपर, वो रहा हमारा होटल और ये रही हमारी हाइट। अंदाज़ा तो आप यकीनी तौर पे वीडियो देखकर लगा ही सकते हैं कि किस हाइट पे हम मौजूद हैं। कोशिश है हमारी, अभी भी हम कोशिश करेंगे कि सफ़र रखें जारी। बादलों को किसी तरह से हम पकड़ना चाह रहे हैं, आसमानों को हम छूना चाह रहे हैं। इरादे बहुत पक्के हैं और माइंड बड़ा क्लियर है, नीयत बहुत साफ है, इसीलिए ये नज़ारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। बारिश भी इस वक्त जारी है तो कमाल का मंज़र है, और फीलिंग क्या है ये हम ही जान सकते हैं। शायद आप देखकर वो फीलिंग आपको नहीं आएगी, लेकिन देखकर ज़रूर आप महसूस होंगे इन नज़ारों को। रोड ख़त्म नहीं हो रही, सफ़र है जारी, जिस तरह ज़िंदगी में भी ज़िंदगी रहती है जारी। ये हैं वो रास्ते जो मुड़ते मुड़ाते ऊपर की तरफ आ रहे हैं और हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं वॉक करते हुए। सो एक चैलेंजिंग है, चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है, थोड़ा सा प्रेशर है, फिजिकल बर्डन भी है, लेकिन एज वी वर स्पोर्ट्स पर्सन, सो चैलेंज लेना और फिजिकली अपने आप को चैलेंज करना आदत है कुछ। हमने मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ, वो जो सामने आप ये घर देख रहे हैं जिसकी बाउंड्री लाइन बड़ी है, ये जेल है यहाँ मुजफ्फराबाद में। और उसके साथ जो ऊपर आप देख रहे हैं सफ़ेद सा, ये कॉलेज है जो तुर्की टर्किश गवर्नमेंट ने बनाया था। और उसके बाद ये पीले रंग का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है। सो ये मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, डिफरेंट लग रहा है ये जेल और पहाड़ों में ये मुजफ्फराबाद की जेल है। जुर्म करेंगे तो यहाँ कैद हो जाएंगे। तो अब हमारा सफ़र नीचे की तरफ जारी है, बुलंदियों को छूकर वापस पांव ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है ताकि तबीयत हल्की रहे और समझ जो है वो बाकी रहे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, चढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा चैलेंजिंग था, और नीचे उतरना थोड़ा आसान हो गया है। नेचुरल कॉमन फिनोमेना है, जब भी आप बुलंदी की तरफ जाते हैं तो काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ती है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन आप कहीं भी किसी मुकाम से आप जब नीचे की तरफ जाते हैं तो बहुत आसानी से जाते हैं। मोटर बाइक्स लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और बड़े खुश मिजाज लोग हैं यहाँ पे, ज़बरदस्त खुश मिजाज लोग हैं, मिलनसार लोग हैं, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। इस गांव में हम आए थे, यहाँ पे हमें ये बुज़ुर्ग भी मिले, आसिफ भी साथ हैं। सो कुछ इंटरेक्शन इनसे हुई, कुछ जगह के बारे में इन्होंने बताया, उसके साथ साथ आप देखेंगे हमें नीचे तक छोड़ने भी आ रहे हैं, जबकि इनको वापस मुड़ के ऊपर भी जाना है।